निजी स्कूल शिक्षक संघ कलेक्टर और माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। 10वीं 12वीं के रोल नंबर 10वीं 12वीं के रोल नंबर पर डाउनलोड करने के एवज में मांगे जा रहे हैं 225 रुपए। आज निजी स्कूल शिक्षण संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने केट में कलेक्टर माध्यमिक और शिक्षा मंडल के सचिव के नाम प्रेषित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अमृता गर्ग को सौंपा। ज्ञापन के जरिए निजी स्कूल शिक्षण संघ के ने मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के उस निर्णय को बदलने की मांग की जिसमें 10वीं 12वीं के छात्रों को रोल नंबर डाउनलोड करने पर 225 रुपये लिए जाने और त्रुटि सुधार न होने का शपथ पत्र भरवाने की बात कही जा रही थी। रोल नंबर डाउनलोड ऑनलाइन करने के संबंध में 1025 रुपये का शुल्क लिया। मैं मानसी राजपूत, प्रदेश सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या जिला अध्यक्ष विदिशा। यहाँ कलेक्टर महोदय, डिप्टी कलेक्टर मैडम को यहाँ ज्ञापन दिया है, एक माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव महोदय के नाम प्रेषित किया है जिसमें छात्र छात्राओं के 10वीं और 12वीं के जो रोल नंबर है उसको जब पोर्टल से डाउनलोड करेंगे एजुकेशन पोर्टल से आप ऑनलाइन से, तो उसमें 1025 का शुल्क लिया जा रहा है और एक शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसमें संस्था जवाबदार होगी और आगे कोई संशोधन नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं संशोधन की प्रक्रिया चालू रखी जाए और इस शुल्क प्रक्रिया को माफ किया जाए। आगे जो भी संशोधन होते हैं उसमें जो भी शुल्क लेते हैं वो शुल्क हम लोग देने के लिए तैयार हैं, छात्र भी देने के लिए तैयार हैं। दूसरा हमारा ज्ञापन है शिक्षा मंत्री के नाम जिसमें आरटी का भुगतान के संबंध में विगत 3 वर्षों से आरटी का भुगतान नहीं किया गया है। 20 और 21 का प्रपोजल लॉक हो गया है, उसमें कई बच्चों का छात्रों का भुगतान रोक दिया है जो अन्य स्कूलों में मैप दिख रहे हैं, तो उनका भुगतान ब्याज सहित तत्काल किया जाए। दूसरी मांग ये है कि 20, 21, 22 का प्रपोजल लॉक किए करीब करीब 10 से 12 महीने हो गए लेकिन आज दिनांक तक उसका करोड़ों रुपए भुगतान पूरे मध्य प्रदेश का नहीं किया है। तो हम विदिशा या प्राइवेट स्कूल की तरफ से मांग करते हैं कि